हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ ऐसे क्वेश्चन को जिसे हम रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है, दो रेलगाड़ी एक ही समय में क्रमशः अलीगढ़ तथा दिल्ली से एक दूसरे की ओर 16 किलोमीटर पर आवर तथा 21 किलोमीटर पर आवर के चाल से चली। जब वे मिलती है तो पता चला कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं रेशियो मेथड से इसे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दो रेलगाड़ी है, तो दोनों रेलगाड़ी को यहाँ हम ए और बी मान लेंगे, ठीक है। पहले रेलगाड़ी का स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर, दूसरे रेलगाड़ी का स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर ए और बी का रेशियो हो जाएगा 16:21, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वे मिलते हैं तो पता चला कि एक रेलगाड़ी ने दूसरे से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, यानी कि इन दोनों ने जब डिस्टेंस दो रेलगाड़ी ने तय की है, ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया है 60। तो 60 के नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों रेशियो का भी डिफरेंस, यानी कि 21 - 16। और हमें निकालना क्या है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो यानी कि दोनों रेशियो को हम जोड़ के ऊपर गुना करेंगे 60 में, गुना करेंगे जब 16 और 21 को जोड़कर तो हो जाएगा 37। हम नीचे में 21 - 16 करेंगे तो हो जाएगा 5। तो जब हम 60 को 5 से काटेंगे तो 12 से कट जाएगा 60। तो 12 को जब हम 37 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 444। तो ये हो गया दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां क्वेश्चन में है, दो रेलवे स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तथा दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से जाती है। ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेगी? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी दो रेलगाड़ी है, ठीक है। तो पहले रेलगाड़ी को हम ए मान लेंगे, दूसरे को हम बी मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में है, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से जाती है। तो यहाँ पर ए बी का रेशियो हम 20:30 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 से दोनों कट जाएगा, तो यहाँ 2:3 हो गया, ए बी का रेशियो हो गया 2:3, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में है कि दो रेलवे स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी है 500 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है यहाँ 500 किलोमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 500, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है ए और बी का, तो दोनों रेशियो जो हमने निकाला है दोनों को जोड़ के इसके नीचे हम लिख देंगे तो हो जाएगा नीचे में 5। अब देखिए हमें निकालना क्या है, निकालना है ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेगी। तो ए से निकालना है, तो ए का रेशियो ऊपर हम गुने में लिखेंगे तो 500 × 2 हो जाएगा। उसके बाद 500 को हम 5 से काटेंगे तो 100 से कट जाएगा, 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 किलोमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है, ए तथा बी के चालों का अनुपात 2:3 है। यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने में बी 36 मिनट ले तो ए इस दूरी को कितने समय में तय करेगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए तथा बी के चालों का अनुपात 2:3 है। तो यानी कि ए बी का जो रेशियो है 2:3, ये स्पीड का रेशियो है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है कि किसी निश्चित दूरी को तय करने में बी 36 मिनट लेता है। बी यहाँ 36 मिनट ले रहा है और रेशियो हमें स्पीड का दिया हुआ है। अगर यहाँ पर रेशियो टाइम का रेशियो दिया होता तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम का रेशियो निकाल लेंगे, स्पीड का रेशियो 2:3 है। अगर हमें टाइम का रेशियो निकालना हो तो बस रेशियो को पलट देंगे तो वो हो जाएगा टाइम का रेशियो, यानी कि 3:2 हो जाएगा ए बी का रेशियो, ये हो जाएगा टाइम का रेशियो, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ए इस दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो यहाँ पर 36 मिनट में बी तय कर रहा है, तो यहाँ पर हम 36 लिखेंगे, बी तय कर रहा है तो नीचे में बी का रेशियो लिखेंगे, बी का रेशियो यहाँ 2 हमने निकाला तो 2 नीचे हो जाएगा। और निकालना हमें ए, ए इस
दूरी को कितने मिनट में तय करेगा, तो गुने में एक का रेशियो करेंगे 3, तो यहाँ पर 36 को हम 2 से काटेंगे तो 18 से कट जाएगा, 18 को 3 से गुना करेंगे तो 54 मिनट हो जाएगा, यानी ए इस दूरी को 54 मिनट में तय करेगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक निश्चित दूरी तय करने जा रहे दो व्यक्तियों ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। मंजिल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है। ए द्वारा इस दूरी को तय करने में लिया गया समय कितना है? तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी के चालों का अनुपात कितना है? 3:4, ये स्पीड का रेशियो है 3:4, ठीक है। और क्वेश्चन में है, मंजिल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है। ए और बी से 30 मिनट अधिक ले रहा है, तो यहाँ पर मिनट अधिक ले रहा है, तो यहाँ पर अगर रेशियो मिनट का दिया होता, टाइम का रेशियो अगर दिया होता, तो आसानी से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो हम निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था टाइम का रेशियो निकालने के लिए बस रेशियो को हम पलट देंगे, तो यहाँ ए बी का रेशियो हो जाएगा 4:3, ये हो जाएगा टाइम का रेशियो। अब देखिए ए बी से 30 मिनट अधिक ले रहा है, तो यहाँ पर हम 30 लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि नीचे में इन दोनों रेशियो का डिफरेंस हम लिखेंगे 4-3। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है ए द्वारा इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, तो यहाँ पर गुने में ए का रेशियो हम लिखेंगे, ए का रेशियो 4 है, तो गुने में 4 हो जाएगा। तो नीचे में 4-3 यानी 1 होगा, 30 को 4 से गुना करेंगे तो 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट यानी 2 घंटे, यानी ए ने इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लिया, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। एक निश्चित दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 रेशियो दिया हुआ है और ये स्पीड का रेशियो है, चालों का अनुपात है, और यहाँ क्वेश्चन में मांगा जा रहा है इनके समय का अनुपात क्या होगा। स्पीड का रेशियो दिया है, आपको टाइम का रेशियो निकालना है, लेकिन यहाँ पर 3 रेशियो है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पर 2:3:4 को 1/2, 1/3, 1/4 कर लें, ठीक है। उसके बाद 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालना है। जब हम 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ 12 गुना हम करेंगे 1/2, 12 गुना 1/3 करेंगे, 12 गुना 1/4 करेंगे, तो यहाँ पर 12 2 से 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ 12 3 से 4 बार में कटेगा और 12 4 से 3 बार में कटेगा, तो यहाँ हो गया 6:4:3, यानी कि ये हो गया टाइम का रेशियो, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दें, और इसी तरह नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।